Good morning, myself Dr. Pravin Mantri, and I welcome all of you in our institution, Royal Institute of Management and Advanced Studies. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. आज हमारा टॉपिक जो है वो एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में रहेगा. एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो BBA में भी कवर होगा, BCom में भी होगा और MBA के अकाउंटिंग फॉर मैनेजर सब्जेक्ट्स में भी कवर होगा. सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि अकाउंटेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी. ह्यूमन की मेमोरी लिमिटेड है, वो सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को याद नहीं रख सकता, तो उसके लिए फिर एक सिस्टम को डेवलप किया गया जिसका नाम है अकाउंटेंसी. जिसका नाम क्या है? अकाउंटेंसी. अब अकाउंटेंसी करता क्या है? तो अकाउंटेंसी करता है कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट करना, उसके बाद समराइजिंग, उनका नटशेल निकालना, सार निकालना, एनालाइजिंग, उनका विश्लेषण करना और रिपोर्टिंग. जितने भी लोग, जैसे बैंक जिन्होंने फंड्स डाला है, कस्टमर जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, या और भी लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, पब्लिक हैं, कस्टमर हैं, कंपनीज हैं, जो भी एसोसिएटेड स्टेक होल्डर हैं, उनको क्या होना? रिपोर्टिंग होना. तो सबसे पहला क्या हुआ? कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग. व्हाट डज इट मीन्स? अकाउंटेंसी का मतलब हुआ कलेक्ट करना डेटा को, उसके बाद उसकी समरी बनाना, समरी बनाने के बाद उसको एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद रिपोर्ट करना. अब रिपोर्ट किस किस को करना? रिपोर्ट गवर्नमेंट को भी हो सकता है, रिपोर्ट बैंक को भी हो सकता है, रिपोर्ट RBI को भी हो सकता है, रिपोर्ट किसको हो सकता है? और अदर स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर कौन कौन से हो सकती हैं? जैसे आपकी सिस्टर कंसर्न है या होल्डिंग कंपनी वगैरह हैं, उसमें उन सबको क्या करना? रिपोर्ट करना. क्या रिपोर्टिंग करना? कि अल्टीमेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुआ क्या. तो आपने ये शुरू में समझा कि अकाउंटेंसी में हम करते क्या है? कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और रिपोर्टिंग. एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी लेकर जाता हूँ. 1494 में मिस्टर लुका स्पेसिओली, जो इटली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बुक कीपिंग को जनरेट किया. अब हमने शुरू में अकाउंटेंसी पढ़ा, लेकिन अकाउंटेंसी के कुछ हिस्से हैं. सबसे पहले देखिए डायग्राम को. सबसे पहले है बुक कीपिंग. क्या है? बुक कीपिंग, जिसको बही खाता बोलते हैं, बही खाता, लेखा संभालना. दूसरा है अकाउंटिंग, और जैसे बुक कीपिंग को वैसे सही भाषा में बोलते हैं पुस्तपालन, और इसको बोलते हैं लेखांकन, अकाउंटिंग. और तीसरा है अकाउंटेंसी. अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो ये बात क्लियर होती है कि फर्स्ट पार्ट बुक कीपिंग है. अब बुक कीपिंग का मतलब क्या हो गया? जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें उनको क्या करना? मेंटेन करना. मेंटेन करने का मतलब क्या हो गया? मेंटेन करने का मतलब मैंने नीचे एलिबरेट करा. एक होगा ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन के लिए उसको याद रखने के लिए बनेगी बुक, उसका नाम है मेमोरेंडम बुक. कई लोग मेमोरेंडम बुक नहीं बनाते हैं, ट्रांजेक्शन्स के तुरंत बाद क्या एंट्री कर लेते हैं? जर्नल में एंट्री कर लेते हैं. जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर, खातों की समरी. तो कुल मिला के बात समझ में आई. ट्रांजेक्शन हुआ, माल बेचा, खरीदा, लोन लिया, लोन दिया, ये ट्रांजेक्शन हुआ. उस ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड किया. मेमोरेंडम का मतलब होता है याददाश्त की बुक. कई बड़ी कंपनीज डायरेक्ट इसकी जगह क्या बनाती? जर्नल. लेकिन छोटे व्यापारी जर्नल नहीं बनाते हैं, वो एक छोटी पतली किताब में, छोटे से रिकॉर्ड में एक मेंटेन कर लेते हैं, इवनिंग तक उसको फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते हैं. और फिर जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर. क्या है ये? ये बुक कीपिंग है. अब उसकी एडवांस स्टेज, सेकंड स्टेज, जिसका नाम क्या है? अकाउंटिंग. उस अकाउंटिंग में क्या होता है? इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन का मतलब है जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया है उसको एक्सप्लेन करना. किसको? उन सब लोगों को जो सोसाइटी में इससे कनेक्टेड है. अब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं इंटरप्रिटेशन में? सबसे पहला देखिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं, P&L बनाते हैं, जिसको अकाउंट्स की भाषा में इंक्लूडिंग बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट्स बोला जाता है. ये कौन सी स्टेज है? सेकंड स्टेज. तो सबसे पहले मैंने शुरुआत किससे करी थी? अकाउंटेंसी से. अकाउंटेंसी इंक्लूड्स टू टर्मिनोलॉजी. नंबर वन इज बुक कीपिंग, अनदर इज अकाउंटिंग. बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जब सबमर्ज होती है और फिर उसके बाद उसका फाइनल प्रोजेक्शन होता है, वो क्या कहलाती है? अकाउंटेंसी. अब आपको मैं रिपीट करता हूँ. सबसे पहले क्या हो रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट को आप मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद उसको मेंटेन करने के बाद क्या किया जा रहा है? उसको इंटरप्रिट किया जा रहा है, उसकी व्याख्या की जा रही है ताकि लोगों को समझ में आए. और तीसरा, वो इंटरप्रिटेशन कम्युनिकेट किया जा रहा है. किसको? गवर्नमेंट को, रिजर्व बैंक को, और भी जितने भी इंस्टीट्यूशन स्टेक होल्डर हैं उनको. अगर इस पूरी आप बात को समझेंगे तो एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि अकाउंटेंसी के ही दो हिस्से हैं. कौन? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग. सबसे पहले कौन है? बुक कीपिंग, इसलिए इसको कोर में लिया गया. उसकी आउटर शेल में कौन है? अकाउंटिंग. और इन दोनों को जो कवर कर रहा है उसका नाम क्या है? अकाउंटेंसी. बुक कीपिंग मेंटेन करता है, ये इंटरप्रिट करता है, और सब होने के बाद रिपोर्टिंग और कम्युनिकेटिंग का काम कौन करता है? अकाउंटेंसी.
एक और क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कितने हैं। तो हमारे देश में या दुनिया में चार तरह के सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। पहला सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है कैश। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन लाइक कॉलेजेस, लाइक क्लब्स, लाइक हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, वो जो सिस्टम फॉलो करते हैं उसका नाम क्या है? कैश सिस्टम। एग्जांपल क्या हुआ? एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे रतलाम का एग्जांपल है, कालका माता ट्रस्ट। तो वो जिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाएगा उसका नाम क्या होगा? कैश सिस्टम, क्योंकि वहाँ डोनेशन आता है और उस डोनेशन के हिसाब से फिर खर्चों को मंदिर या बाकी चीज़ों के एक्टिविटी के लिए, वेलफेयर के लिए किया जाता है। एक और बात आपको याद रखने के लिए, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर देश में हैं, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आर्किटेक्चर्स, जितने भी लोग हैं वो सब जिस सिस्टम को अपनाते हैं प्रोफेशनल, वो कौन है? कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दूसरी का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये इनकम्प्लीट होती है, लॉ में इसकी परमिट नहीं है। अब सिंगल एंट्री का मतलब क्या है? हर ट्रांजेक्शन की दो एंट्री होती है। ये क्या होता है इसमें? किसी की दो हो जाती है, किसी की एक हो जाती है, किसी की होती ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? इनकम्प्लीट है, इसको लॉ परमिट नहीं करता। एक बार इसको परमिट करता है प्रोफेशनल्स के लिए या नॉन प्रॉफिट के लिए, लेकिन इसको परमिट नहीं करता। तीसरी स्टेज कौन है? डबल एंट्री। हम बुक्स ऑफ अकाउंट में जो पढ़ रहे हैं वो डबल एंट्री ही है। हर चीज की कितनी साइड होती है? डेबिट और क्रेडिट। इसीलिए इसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। दो साइड का क्या मतलब हो गया? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखिए अकाउंटेंसी जो बना है बेसिकली बैलेंसिंग करने के लिए बना है। इधर इनकम है, इधर एक्सपेंसेस है, इधर एसेट है, इधर लायबिलिटी है, इधर रिसीवर है और इधर गीवर है। तो ये डेबिट और क्रेडिट, इसकी वजह से इसका नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। और लास्ट में एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आपने देखा होगा लाल रंग की किताबें मार्केट में छोटे छोटे व्यापारियों के पास होती हैं, वो जमा नामे करते हैं और उसको लोकल भाषा में लिखते हैं। ये भी डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। अब मैं इसको ब्रीफ रिपीट करता हूँ। कैश सिस्टम प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम इनवैलिड है, वो इनकम्प्लीट है, वो मानी कानून में नहीं जाती है। डबल एंट्री सिस्टम बिल्कुल वैलिड है। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वैलिड तो है क्योंकि लोकल लैंग्वेज में है, और डबल एंट्री बेस्ड है, पर फॉर द सेक ऑफ ऑडिट और रिपोर्टिंग और बैंक के लोन के लिए आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ता है? उसको वापस से डबल एंट्री। तो हम ये बात समझ गए कि चार तरह के हमारे सिस्टम हैं, पर कानूनी रूप से देखा जाए तो एक तो कैश सिस्टम वैलिड है और एक डबल एंट्री सिस्टम वैलिड है। मैं ब्रीफ में रिपीट कर देता हूं। अकाउंटेंसी का मतलब क्या हुआ? जो डाटा को कलेक्ट करे, डाटा मतलब कौन? फाइनेंशियल डाटा, उसको समराइज करे, एनालाइज करे और रिपोर्टिंग करे। फिर इसके कितने पार्ट हैं? इसके दो पार्ट हैं, एक बुककीपिंग, अकाउंटिंग। बुककीपिंग में क्या होता है? ट्रांजेक्शन, जनरल और लेजर होता है। अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस और उसके बाद फाइनल अकाउंट बनता है। और इन दोनों को बनाने के बाद जो कम्युनिकेशन का काम करता है वो करती है अकाउंटेंसी। इस तरीके से हमने पढ़ा अकाउंटेंसी के बारे में। और फिर हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने तरह से बनते हैं। तो चार तरह से बनते हैं, कैश सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री और इंडियन सिस्टम। और लॉ में कितने परमिटेड है? दो। कैश सिस्टम प्रोफेशनल्स के लिए और बाकी बिजनेस हाउसेस के लिए डबल एंट्री सिस्टम। आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी बात। और जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊँगा तो इसके ठीक बाद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पे हम डिस्कस करेंगे। आप सभी ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोगों को ये पता है कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बस एक होता है डबल एंट्री, ऐसा नहीं है। बेसिकली चार तरह के सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। और कई बार और एग्जामिनर्स पूछते भी हैं कि भाई ट्रायल बैलेंस किस में जाता है, तो बच्चा गलती से बुक कीपिंग में लिख देता है, जबकि ट्रायल बैलेंस का शुरुआत ही कहाँ से होती है? अकाउंटिंग से होती है। और एंड कहाँ पे होता है बुक कीपिंग का? लेजर पर। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। हम अगले वीडियोज़ में जो आपको कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के बारे में क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।